हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टैली प्राइम का है और हमारे साथ बैठी हुई है हमारी स्टूडेंट नेहा। और इनको ये दिक्कत आ रही है कि जब ये पेमेंट कर रही है, जो क्रेडिटर पार्टी ने परचेज किया उसके लिए पेमेंट जब ये करने की कोशिश कर रही है, तो उस समय फाइनेंशियल ईयर या फिर इस तरह की कुछ एरर आ जा रही है कि इसमें दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा आप नई डेट रख सकते हैं, तो कहां मिस्टेक हो रही है इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्रेडिटर पार्टी है, मैं आपको दिखा देता हूं अल्टर में जाकर के। ये हम टैली प्राइम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लेजर्स में जाएंगे और ये देखिए सनी सी नाम से, सी यानी क्रेडिटर। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो है क्रेडिटर पार्टी का लेजर, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको दिख रही है। ठीक है, अब यहां पर गलती कहां हो रही है देखिए, जब दिक्कत कहां आ रही है, वी प्रेस करता हूं और जो ये क्रेडिटर पार्टी ने परचेज किया है उसको पेमेंट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, सेम डेट पर अगर मैं पेमेंट करता हूं तो ये पेमेंट हो जाता है। कैसे, ये देखिए 1 मई को ही खरीदारी हुई है। अब वो खरीदारी वाला हिसाब किताब मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन 1 मई को ही ये खरीदारी हुई है। ठीक है, और ये सनी सी क्रेडिटर पार्टी है। अब यहां पे देखिए 21,200 इनके ऊपर बैलेंस दिखा रहा है, यानी इतना रुपया इनको पेमेंट करना है। यहां पर मैं क्या करता हूं, 20,000 रुपए पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, कितना पेमेंट कर देता हूं, 20,000। ओके, अब यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस पे अपने आप कर्सर आ चुका है। एजीएसटी रेफरेंस का मतलब अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, यानी उस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया और इसको अब एक्सेप्ट कराता हूं। ठीक है, ये हो गया, कुल मिला के 21,000 समथिंग इनका ड्यू था। अब इसको वापस से जब हम इनको पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, सेम डेट पे अभी मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ इतना कि कितना बकाया रह गया है। अब तो ये देखिए यहाँ पे कुल मिला के 1200 रुपए ही बकाया है, क्योंकि बाकी सारे पैसे आपने पेमेंट कर दिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम डेट चेंज करके पेमेंट करेंगे, यानी कि पहला पेमेंट हमने मई में कर दिया, अब हम दूसरा पेमेंट करेंगे जून में। तो यहां पे कर देता हूं 1/6/2020। ठीक है, अब ये देखिए ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको भी आती हो। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है डेट कैन नॉट बी अबव द पीरियड। ठीक है, अब यहां पर एंटर प्रेस कर रहा हूं तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये एरर बना का बना रह जा रहा है। ठीक है, तो यहां से बाहर आ जाते हैं हम। ठीक है, और देखते हैं कि गलती हमने कहां की है। तो बाहर यहां से आ जाइए और कहां चलना है हमें अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करने से टैली प्राइम में फाइनेंशियल ईयर खुल जाता है। तो जैसे ही अल्ट के साथ F2 प्रेस किया तो ये फाइनेंशियल ईयर है हमारा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, नो प्रॉब्लम, 1 अप्रैल 2020 से आपने शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहां पे है कि आपने खत्म कर दिया 1/5/2020 पर, और इसीलिए ये एरर आ रही है। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है 1/31/3/2021। ठीक है, 20 नहीं 21। ओके, अब देखिए अब जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखिए यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहां पे F2 करके डेट चेंज कर रहा हूं 1/6/2020। अब देखिए अब ये एक्सेप्ट कर गया, यहां पर भी चेंज कर देता हूं 1/6/2020। ओके, एंटर प्रेस किया, अब ये हो गया। अब यहां पे आइए, सनी सी यही था ना, कितना था, 1200 रुपए था, 1200 रुपए यहां आप पेमेंट कर दीजिए, आसानी के साथ ये ले लेगा। अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करके ये कुल मिला के 1200 था ना, यहां 1200 कर देता हूं। अब ये पेमेंट हो गया कैश में। ओके, एंटर प्रेस किया और इसको अब एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जब दोबारा पेमेंट करने जाएंगे तो इनका बैलेंस जीरो दिखाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये सनी सी था, यहां पे आए तो यहां क्या दिखा रहा है, बैलेंस जीरो दिखा रहा है। तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो गई होगी नेहा, आई होप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सबको भी लाभ होगा, और इस तरह की कोई और भी डिमांड है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।